सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। उम्मीद ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाए, उम्मीद ऐसी हो जो जीना सिखाए, जीना ऐसा हो जो रिश्तों की कदर करे, रिश्ते ऐसे हो जो याद करने को मजबूर करे। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, अगर हौसले हो तो हर मौज में किनारा है। रातों वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, देखना ये है कि चिरागों का सफर कितना है। उदार बनो पर इस्तेमाल ना होने दो, प्यार करो पर खुद को ठेस ना लगने दो, विश्वास करो पर भोले मत बनो, दूसरों को सुनो लेकिन अपनी आवाज ना खोने दो। आज का पंचांग 20 जनवरी 2022 दिन गुरुवार, मांग मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह 6:05 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र सुबह 8:24 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 1:58 से 3:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:16 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर सुबह 8:24 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 20 जनवरी 2022 दिन गुरुवार, अभी आप अपने विश्वासों को जांचने और धर्म कर्म की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। सलाहकार या शिक्षक के साथ ये विचार विमर्श करें जो आपको अंतर्दृष्टि प्रदान कर सके। यह सौभाग्य भरे पल हैं, आपको मिले नए अवसरों का आनंद लें। जीवन का यह समय आपको काम और परिवार के साथ साथ आत्मविश्वास और विश्वास की कमी में रहना सिखाएगा। घरेलू मुद्दे और व्यवसाय संबंधी आमदनी के बारे में विचार करेंगे। अपने आप को शांत रखें और गुस्से पर नियंत्रण रखें। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। काफी समय से कोई रुका हुआ कार्य आज संपन्न हो सकता है, इसलिए प्रयासरत रहें। दिन की शुरुआत सुखद होगी। युवा वर्ग सूझबूझ और व्यवहार कुशलता द्वारा अपने भविष्य संबंधित योजनाओं पर अमल करना शुरू कर सकते हैं। अपने स्वभाव की जितनी बातें आप बदलना चाहते हैं, उन्हें बदलने की इच्छा क्यों हो रही है इस बारे में ध्यान पूर्वक सोचें, तभी अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए सही योजना बना पाएंगे। काम की जगह बढ़ती हुई कॉम्पिटिशन की वजह से दबाव बिल्कुल ना बनने दें, आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। लव रिलेशनशिप से संबंधित उलझने बढ़ती हुई नजर आ रही है, पेट संबंधित विकार बढ़ सकती हैं। सावधानियां, किसी नजदीकी संबंधों के व्यक्तिगत जीवन में चल रही परेशानियों की वजह से चिंता रहेगी। घर की देखरेख तथा सुख सुविधा संबंधित चीजों पर अधिक खर्चा होने से बजट गड़बड़ा सकता है, घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह पर अवश्य अमल करें। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने कार्य में जीवन साथी का सहयोग आपकी चिंताओं को कम करेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के लिए समय निकालना संबंधों में मजबूती लाएगी। आप अपने पार्टनर को अच्छे से जानते हैं और दोनों का एक दूसरे पर अटूट विश्वास है। आंख बंद करके आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। दुर्घटना या कोई हानि आपको परेशान करेगी। आप निजी लाभ की तुलना में लोगों की सेवा करने में अधिक रुचि रखते हैं। यह जीवन का वो चरण है जब आप प्यार और परिवार के कार्यों में भी संतुलन बनाए रखेंगे। आपका गुस्सा रोमांटिक रिश्ते को कशैला कर सकता है, लेकिन शांत रहें क्योंकि आपके चार्म से आपका साथी ज्यादा देर दूर नहीं रह पाएगा। बात करते हैं करियर की। आज आपका ध्यान
अच्छे भाग्य और सुनहरे छड़ों का आनंद लेने में है, जिसमें कानूनी मामले बाधा डाल सकते हैं। किसी विशेष कार्य या प्रोजेक्ट के लिए लंबी दूरी की यात्रा का भी योग है। जीवन में सब कुछ भूलकर अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। सबके आकर्षण का केंद्र आज आप ही हैं। कार्यस्थल पर आपके प्रदर्शन के कारण आपको सम्मान और प्रशंसा मिलेगी। आपके व्यक्तित्व की कुछ विशेष खूबी सहकर्मियों और अधिकारियों को आपका प्रशंसक बना देगी। भाग्य आपके साथ है, लेकिन कड़ी मेहनत करना ना भूलें। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु वर्तमान वातावरण की वजह से लापरवाही करना उचित नहीं है। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप केले के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।